एक बार फिर से हाजिर हूँ जैविक कीटनाशक तैयार करने की एक और विधि के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि तंबाकू और गौमूत्र की मदद से शक्तिशाली जैविक कीटनाशक हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो गौमूत्र की शक्तियों के बारे में तो सबको पता ही है, और तंबाकू की बात करें तो तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटीन तत्व कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। और साथ साथ इस वीडियो के जरिए एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि निकोटीन, जी हाँ दोस्तों, तंबाकू में पाया जाने वाला यह तत्व लत लगाने वाला रसायन है जो काफ़ी शक्तिशाली है और तेजी से प्रतिक्रिया दिखाता है। सिगरेट, खैनी, गुटखा, बीड़ी की बुरी आदत और तलब इसी रसायन की वजह से लगती है। यह निकोटीन एक बेरंग जहरीला क्षार है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है और नशे की लत बन जाता है, और नशे की यही लत आगे चलकर कैंसर का कारण बनती है। यह इंसानों के लिए धीमा जहर है और इंसानों को धीरे धीरे करके मारता है। तो मैं आपके दोस्त के नाते आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप भी करते हो किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन, तो अपने परिवार की खातिर आज ही इसका त्याग कीजिए। तो चलिए अब हमारे मेन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो इस टाइप का कीटनाशक तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए 1 किलोग्राम तंबाकू, और बाद में चाहिए 10 लीटर गौमूत्र। तो एक प्लास्टिक की बाल्टी में हम 10 लीटर गौमूत्र को निकाल लेंगे। अब इस 10 लीटर गौमूत्र वाली बाल्टी में 1 किलोग्राम तंबाकू मिला देना है। बाद में इसे लकड़ी से घुमाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हमें 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद अब हमें इस मिश्रण को उबालना है। सो मैं इसके लिए चूल्हा जलाऊंगा, आप घर में स्टोव के ऊपर भी उबाल सकते हो। तंबाकू और गौमूत्र के इस मिश्रण को एक बार अच्छे से घुमाकर चूल्हे पर रखे बर्तन में डाल देंगे। अब चूल्हा जलाकर इसे गर्म होने देंगे। ध्यान रहे कि चूल्हे की आंच हमें तेज रखनी है और इसे हमें कम से कम 1 घंटे तक उबालना है। इस मिश्रण को उबालते समय लिक्विड का लेवल चेक कर लीजिए, और उबालते वक्त जितना लेवल कम हो उतना गौमूत्र मिलाते रहिए, मतलब कि इस लिक्विड की मात्रा या लेवल हमें एक समान बनाए रखनी है। और हो सके तो बीच बीच में इस मिश्रण को इस प्रकार से लकड़ी से मिक्स करते रहें। जरा देखिए, यह मिश्रण कुछ इस प्रकार से तेज आंच पर उबलना चाहिए, तभी तंबाकू में मौजूद सारे तत्व अच्छे से बाहर आएंगे। इस मिश्रण को 1 घंटे तक उबालने के बाद इस बर्तन को हमें उतार लेना है और एक रात भर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद देखिए, यह सॉल्यूशन एकदम डार्क ब्राउन रंग में बदल जाएगा। इसका प्रयोग फसलों के ऊपर स्प्रे के रूप में करना है, सो इसे हम बारीक कपड़े से अच्छे से छान लेंगे। बाल्टी के ऊपर एक बारीक कपड़ा बांधकर इस सॉल्यूशन को हम अच्छे से छान लेंगे। और आखिर में इस पूरे मटेरियल को हाथों से अच्छे से इस प्रकार से निचोड़ लेंगे। तंबाकू के इस बचे मटेरियल को आप पेड़ पौधों के आसपास मिट्टी में डाल सकते हो। तो देखिए, अब हमारा तंबाकू और गौमूत्र से बना जैविक कीटनाशक प्रयोग के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग हमें फसलों के ऊपर स्प्रे के रूप में ही करना है। इस प्रकार से तैयार किए गए सॉल्यूशन का प्रयोग हम किसी भी प्रकार की फसलों के ऊपर कर सकते हैं। यह जैविक कीटनाशक फसलों में लगने वाले सारे रस चूसक कीट, फली छेदक कीट, पत्तियां खाने वाले कीट,
सभी प्रकार की इल्लियां मतलब कि लगभग सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रित कर सकता है। तंबाकू में मौजूद जहरीला निकोटिन तत्व और गौमूत्र दोनों का कॉम्बिनेशन नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से हमारी फसलों को बचाएगा। प्रयोग की मात्रा की बात करें तो इस प्रकार से तैयार किए गए सॉल्यूशन की 500 से लेकर 700 ml मात्रा प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करना है। इस कीटनाशक को और भी ज़्यादा असरदार बनाने के लिए आप इस 10 लीटर तैयार हुए सॉल्यूशन में 250 ग्राम साबुन या डिटर्जेंट घोलकर मिला सकते हो। कीटों का प्रकोप दिखते ही शुरुआत में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे लगातार कर ही दीजिए और हो सके तो इस सॉल्यूशन का प्रयोग सुबह में या शाम के समय ही कीजिए, ज़्यादा प्रभावी रहेगा। इसके स्टोरेज की बात करें तो इसे 6 महीने तक स्टोर कर सकते हो, लेकिन आप ज़रूरियात के हिसाब से इसे बनाइए और प्रयोग कर लीजिए, अच्छा रहेगा। इस सॉल्यूशन के प्रयोग से आपकी फसल नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह यह जानकारी भी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी करते हो मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।